अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज बतारीख 4 जनवरी 2023 बरोज़ बुध को मैं इनाम रहमान यजदानी आप लोगों के सामने करंट अफेयर यानी हालात हाजरा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि बग़ौर समात फरमाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के ताल्लुक से। रशिया यूक्रेन के बारे में कल मैं बताया था आपको और एक वीडियो में सेपरेट बनाया था इसराइल और फ़लस्तीन के ताल्लुक से। ये दोनों मैटर पूरी दुनिया में बिल्कुल पूरे न्यूज़ को अपने अंदर समोए हुए हैं। रशिया यूक्रेन का मामला क्या है कि जनवरी की पहली तारीख को यानी जब लोग नए साल का जश्न मना रहे थे तो उसी रात को यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया था जिसका खुलासा कल हुआ है। और उसमें यूक्रेन का कहना ये था कि हम डोनेस्क रीजन में एक शहर है मकाइका उस पर अटैक किए थे और उसमें तकरीबन रशिया के 400 फौजी मारे गए थे। इतना बड़ा हमला था एक स्ट्राइक में। और रशिया इस बात को दबाए हुए था लेकिन बात तो खिली गई, इतनी बड़ी बात थी तो रशिया ने भी एडमिट किया उसको कि नहीं नहीं 400 नहीं 63 हमारे फौजी मारे गए, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैं आपको कल बताया था कि आपको इस तरह की न्यूज़ में परसेंटेज निकालना पड़ता है कि रशिया कुछ घटा रहा होगा और यूक्रेन कुछ बढ़ा रहा होगा, तो परसेंटेज निकाल लीजिए कि कम से कम 100 से ऊपर तो रशिया का मामला होगा और यूक्रेन का थोड़ा उससे कम होगा। तो इस लिहाज से रशिया ने अब उस फिगर को थोड़ा सा बढ़ाया है। अब वो कह रहा है कि नहीं 89 हमारे जो हैं फौजी मारे गए, तो ये 20-25-30 कैसे बढ़ गए, तो कह रहे हैं कि वो मलबा के अंदर से बॉडी और भी निकल ले रही है तो अब 89 कन्फर्म हो गया। तो इससे पता चलता है कि ये भी गलत ही है, और भी होंगे लेकिन जहाँ तक जो है उसको मजबूर कर दिया जाता होगा तो फिर वो उतना फिगर बताते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मामला था यानी एक स्ट्राइक में इतने लोग, तो इस पर रशिया में खुद सवाल उठने लगे। रशिया के बड़े बड़े यूट्यूबर वीलॉग करने वाले आर्मी जनरल फिर उनके समझे के इंटेलिजेंस इदारे के जो साबिक चीफ वगैरह थे वो सवाल उठाने लगे। अब डायरेक्ट वहाँ तो पुतिन पे कोई सवाल कर नहीं सकता है, क्रिटिसाइज़ कर नहीं सकता है, वरना तो वो छत से खिड़की से कूद करके सुसाइड खुद ही कर लेगा। तो सब लोग जो हैं धीमे अंदाज में अपने आर्मी चीफ पर करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री पर सवाल करते हैं। और तो एक तो यह है कि पुतिन को क्रिटिसाइज़ झेलना पड़ा, इस बात को क्रिटिसाइज़ लोग कर रहे हैं कि आपने फौजियों को और वहीं पर गोला बारूद को एक जगह क्यों रखे थे, क्योंकि मिसाइल जब हिट हुआ है तो यहाँ पर आर्म्स और एमिनीशन ये लोग बहुत ज़्यादा रखे हुए थे तो उसमें आग लग गई तो पूरा बैरगी की जल गया समझिए। तो सब लोगों का कहना यह है कि आपने बारूद वगैरह एक जगह क्यों इतना रखे हुए थे और फिर वहीं पर फौजी कैंप क्यों बनाए हुए थे, एक स्कूल में ये लोग बनाए हुए थे वेकेशन दे करके। अब रशिया का जो ऑफिशियल कहना यह है कि नहीं, ये असल में गलती जो है ये मैनेजमेंट इदारों की नहीं है बल्कि उन फौजियों की है, वो फौजी लोग जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहे थे जो उनको मना किया गया हुआ, तो उससे जो है वो लोग नेटवर्क जो है हासिल कर लिए और फिर उसके ज़रिए से जो है वो लोग पैसिफिक अटैक कर दिए। तो ये बड़ा मसला है। तो आप देखिए, तो एक तरफ तो यह है कि जो लोग बड़े बड़े लोग हैं समझदार लोग हैं वो तो सवाल उठा रहे हैं कि ये तुम लोगों की गलती है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है क्योंकि बदनामी रशिया की बहुत हो रही है। अब इसी में एक बड़ा जो है तूफान छुपा हुआ है कि रशिया के अब अवाम नास भी उकता गई है। जैसे आम तौर से भी लोग उकता गए कि रशिया क्यों इतना मार खा रहा है, मार दे एक बम न्यूक्लियर बम, लेकिन न्यूक्लियर बम मारने के बाद यह मसला ख़राब हो जाएगा क्योंकि रशिया ऐसे ही आइसोलेट हो गया है। आज जो चाइना इंडिया वगैरह साथ दे रहे हैं उन्होंने कैटेगोरिकल कह दिया है कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के बाद हम आपके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे, तो इस लिहाज से वो मजबूर है। तो अब एक जो है उन लोगों को रिक्वेस्ट आ रही है खुद रशिया वाले जो हैं, क्योंकि रशिया में पुतिन ने एक सर्वे कराया था कि क्या न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दें, तो सिर्फ 3% लोगों ने कहा था हाँ, बाकी सब लोग अपोज में थे। लेकिन अब जो है वो फिगर बढ़ना शुरू हो गया और ये एक मशवरा आ रहा है कि आप टैक्टिकल वेपन जो इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दीजिए, यानी जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिराया गया था तो उससे कम डैमेज करने वाला कोई गिरा दीजिए। तो इस तरह के आप देखिए कुछ दिनों में आपको ये न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि रशिया तंग आमद भजंग आमद उसने एक बड़ा हमला कर दिया और इतने का नुकसान कर दिया। तो ये खबर थी, यानी अब न्यूक्लियर तक बात चली जाएगी तो फिर नेटो को भी कूदना पड़ जाएगा, फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये सारे मसाइल हैं आ सकते हैं। दूसरी तरफ जो है इसराइल जो है वो बिल्कुल जो है एग्रेसिव मूड में आ गया है, थर्ड टेंपल वो बनाने के बिल्कुल मूड में आ गया है। और नई जो गवर्नमेंट आई है तो उसको पब्लिक चुनी के इसलिए लाई है एक्सट्रीमिस्ट लोगों को, दहशतगर्दों को, और उसका जो अभी नया नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर बना है बिन गवीर, वो तो इंतहा पसंद इंसान है। वो तो समझिए कि रोड के किनारे सड़कों पर भी दुकानें पर जो है मारपीट करता रहता था फलस्तीनियों को, तो अरबों को तो देखना ही नहीं चाहता है। वो तो कहता है कि वन स्टेट सॉल्यूशन, सारे फलस्तीनियों को हम भगा करके कब्जा करें,
अब कल वो जो है मस्जिद अक्सा के अंदर घुस गया, मस्जिद अक्सा के अंदर बल्कि टेंपल माउंट में। टेंपल माउंट एक पूरा इलाका है जो मुकद्दस अल हरम शरीफ कहते हैं। तो इसका बड़ा सख्त रिएक्शन आया और किसी ने उसका साथ नहीं दिया। इवन के साबिक प्राइम मिनिस्टर जो अभी था यायर लापिड, जिसको इलेक्शन में समझिए कि 24 सीट आई है और नितिन याहू को 32 सीट आई है, 6 ही सीट कम है, 8 सीट कम है, लेकिन सबसे लार्ज सेकंड नंबर की पार्टी वही है। उसने भी वार्न किया था कि इस तरह के जो है हरकत मत करो वरना जो है एक तूफान खड़ा हो जाएगा। बल्कि नितिन याहू भी दरवे अल्फाज में कहा था कि थोड़ा सा स्लो चलो, लेकिन वो कहा नहीं हम जाएंगे। हमास ने भी वार्न किया, सब ने वार्न किया, लेकिन वो गया। तब इस पर जो है पूरी दुनिया से सख्त क्रिटिसाइज़ हुआ इसका, और अमेरिका ने भी कहा कि ये जो है सही काम नहीं है। यहाँ तक कि वो ममालिक जो 2020 में इनके पार्टनर बने थे, इनको रिकग्नाइज़ किए थे, यूएई है, मराक्को है, इन लोगों ने भी कहा कि ये एक्ट ऑफ वायलेशन है, ये प्रोवोकेशन वाला अमल है। तो पूरी दुनिया से समझे कि उसकी थूथी हो रही है। लेकिन हमास और जो है फ़लस्तीनियों की तरफ से क्या रिएक्शन है, तो ये अभी जो है जैसा उन्होंने कहा था कि ये रेड लाइन होगा, तो वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। यानी रेड लाइन से मुराद ये है कि फ़ौरन जंग शुरू हो जाना, क्योंकि इससे पहले जो सेकंड इंतफादा शुरू हुआ था 2000 से 2005 तक, तो उसमें एरियल शेरॉन भी इसी तरह विज़िट किया था। लेकिन जब मैं थोड़ा सा जो है न्यूज़ के अंदर गया तो पता चला कि टेंपल माउंट में वो मुसलमानों के कब्ज़े में है, पूरा शहर यहूदियों के कब्ज़े में है, लेकिन उसमें जो कायदा कानून बना हुआ है वो ये है कि वो जो कुब्बतुस सखरा है, डोम ऑफ द रॉक, तो वो एक इलाका है समझिए, वहाँ पर यहूदी या नॉन मुस्लिम जा सकते हैं एक इलाका। उसमें भी दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है कि एक ख़ास टाइम है उसी में वो जा सकते हैं, और वहाँ जा कर के प्रे नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ जो विज़िट के तौर पर देख सकते हैं। और बकिया जो है मस्जिद अक्सा वगैरह है इधर उधर, वो मुसलमानों की इबादत के लिए है। तो पता चला कि ये आदमी जो गया था तो वो उसी इलाके में गया और प्रेयर नहीं किया है। तो इस वजह से जो है वो इंटरनेशनली समझिए कि एक तरह से इंटरनेशनल जो कानून बना हुआ है या फिर वहाँ का जो बना हुआ स्टेटस को, वो उसका जो है वो उल्लंघन नहीं किया है। ये प्रोवोकेशन तो था लेकिन कानून के लिहाज से वो खिलाफ वर्जी नहीं किया है, क्योंकि वो कह सकता अदालत में कि ये तो परमिशन दिया हुआ है कि स्पेसिफिक टाइम में विदाउट प्रेयर के मकसद से जाया जा सकता है, इसलिए मैं गया। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से मामला थोड़ा सा रुका हुआ है। अगर वो मस्जिद अक्सा में घुस जाता या फिर वहाँ पर जाकर प्रेयर करता, तो फिर यकीनी बात है कि वो जो स्टेटस को बना हुआ है वो जो है उसका वायलेशन हो जाता, तो फिर सब लोग जो है एक्शन में ज़रूर आ जाते। इसके साथ एक खबर जो है तुर्की से है, तुर्की के एक अच्छी खबर आई तुर्की से। एक खबर तो यह थी कि लूला डिसुल्वा के जो हल्फ बर्दारी का प्रोग्राम हुआ था, तो उसने तुर्की को भी जो है दावतनामा दिया था, लेकिन तैयब अर्दगान नहीं गए थे, बल्कि तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मेवलूत नाम है या क्या है, तो वो अटेंड किए थे। और दूसरे नंबर पर अभी वही एनर्जी मिनिस्टर अभी बुल्गारिया गए हुए हैं। तो ये बुल्गारिया जो है ये बास्फोरस को क्रॉस करके, जिसकी राजधानी सूफिया है, तो बुल्गारिया और तुर्की में एनर्जी टाइज हुई है, माहिदा हुआ है, 13 साल के लिए माहिदा हुआ है, ख़ासतौर से एनर्जी में गैस का माहिदा हुआ है। 1.5 बिलियन क्यूबिक मीटर बुल्गारिया वाले तुर्की से गैस मंगाएंगे। अब तुर्की के पास इतना गैस कहाँ से आएगा? तो तुर्की जो है ये समझिए कि एनर्जी का एक हब बनने जा रहा है, जिस तरह से वो जर्मनी था पहले रशिया का पूरा एनर्जी का हब, वहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता था। अब चूंकि वो मामला यूक्रेन की वजह से बिगड़ गया है, तो रशिया ने उसका अल्टरनेट तुर्की को बना दिया है। अब तुर्की भी इसको जो है आगे बढ़ के हाथों हाथ लिया है। तो अब ये आज़रबाईजान से भी कोई किसी को भी जाना है तो तुर्की होकर ही जाता है, और रशिया से भी कोई गैस जाना है तो तुर्की होते हुए फिर जाना है। तो इस तरह से जो है, और इसराइल से भी जाने के लिए तुर्की चाहता है कि हमारे यहाँ से जाए, तो इसी वजह से इसराइल से तुर्की ने समझौता किया था, लेकिन वो मामला से सक्सेस उतना नहीं हो पाया। तो अभी पहली कामयाबी मिली है कि बुल्गारिया ने तुर्की से माहिदा 13 साल के लिए कर लिया है, क्योंकि बुल्गारिया को जो है जो गैस आता था वो रशिया से आता था, लेकिन रशिया ने कहा कि रूबल में पे करोगे तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, उसने मना कर दिया। तो फिर जो है अब वो तुर्की से डील कर रहा, तो बात वहीं आएगी, बस ये है कि सबके खर्च बढ़ जाएंगे और तुर्की को थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, गैस रशिया ही का रहेगा। लेकिन अब बीच में एक और जो है, जैसे डायरेक्ट आप होलसेल वाले से लें और आप जो है एक रिटेलर से बीच में से लें, तो वही मामला हुआ है। तो ये एक न्यूज़ थी जो मैं सोचा कि आपसे शेयर कर देता हूँ। अब एक खबर जो है पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के तो बहुत ज़्यादा खबर है, लेकिन कितना कवर किया जाए। पाकिस्तान में आप जानते हैं कि TTP का मामला तो है ही, मईशत का मामला तो है ही, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का तो मामला है ही। अब उसमें मामला क्या आ गया है कि राणा सनाउल्ला ने धमकी दे दिया है अफगानिस्तान को, तालिबान को, कि ये TTP वाले जो है वो अटैक जो करते हैं और फिर बच जाते हैं, उसकी वजह यह है कि वो अफगानिस्तान में घुस जाते हैं, तो अब क्या किया जाए। तो उसने कहा कि हम पहले समझाएंगे, नहीं मानेगा तो फिर हम जो है घुस के मारेंगे। तो ये तो समझिए कि
अफगानिस्तान के सॉवरेंटी को चैलेंज करना हो गया, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज करना हो गया, तो उसका उन लोगों ने एक मजाक वाला फ़ोटो जो शेयर कर दिया ट्विटर पर, ऑफिशियल ट्विटर पर। और उसने सिर्फ एक तस्वीर पोस्ट कर दिया, और वो तस्वीर कौन सी थी, 1971 में पाकिस्तान की आर्मी जो सरेंडर कर रही है इंडिया के आर्मी के सामने, जिसमें 93,000 फौजी सरेंडर किए थे। तो वो तस्वीर को शायद शेयर कर दिया कि इस तरह की गलती मत कर देना, बांग्लादेश वाली गलती, कि जिस तरह बांग्लादेश पर अटैक किए थे तो बांग्लादेश को बचाने के लिए इंडिया आ गया था, तो तुम भी हमको देख करके कमज़ोर मत समझना, अभी तुम हम पे अटैक करोगे कमज़ोर समझ करके तो फिर हमको बचाने के लिए आ जाएगा। ये तो बात थी, एक और भी मजाक की बात कर दिया हूँ, तो चार रोज पहले आया था, मैं सोचा कि उसको शेयर ना करूँ, लेकिन सोशल मीडिया देखा कीजिए, वहाँ के पब्लिक कम से कम देखे कि क्या क्या मामला। अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर आप जो हैं पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं नो डाउट नहीं जानता हूँ, मैं ABCD भी नहीं जानता, इतने तेज़ी से तब्दीली होती है कि पूरी लाइफ फोकस करते फिर भी पाकिस्तान का पॉलिटिक्स इतना आसानी से नहीं समझ पाए, वहाँ का सहाफ़ी नहीं समझ पा रहा होता तो हम लोग क्या समझेंगे। लेकिन न्यूज़ में जो बातें रहती हैं वो, अब बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि सर आप जो है सिर्फ सोशल मीडिया से मुतासर होकर के ये राय रख रहे हैं, तो आज के दौर में तो मेन स्ट्रीम मीडिया हर जगह गोदी मीडिया बनी हुई है, इंडिया की मीडिया भी जहाँ मोदी की गोद में है अब वहाँ भी इस के गोद में है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहीं के सही नहीं, सोशल मीडिया ही में कहीं सही की आवाज़ आती है, इस लिहाज से सोशल मीडिया ही देखा कीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया हर जगह बिकी रहती है, वो कॉरपोरेट के हाथ के खिलौना है। तो उसमें एक किसी ने पूछा तालिबान के एक नुमाइंदे से कि क्या आप पाकिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, उसने कहा नहीं मैं कभी काल कब्ज़ा नहीं करूँगा, कहा क्यों, कहा नहीं उस पर कर्जा बहुत है, फिर कर्ज़ा कौन अदा करेगा सर। तो इस तरह के मीम बनने लगे हैं समझिए। आज सुबह सुबह अभी मैं कैमरा लगा ही रहा था कि मैंने एक न्यूज़ देखा लेटेस्ट में कि पाकिस्तान के दो इंटेलिजेंस ऑफिसर को उड़ा दिया है, पंजाब के वो भी ऑफिसर को, वो ऑफिसर जो TTP के दहशतगर्दों को खोज खोज करके जेल में डाल रहा था उसी को उड़ा दिया, तो आप समझ जाइए कि मामला कितना नाजुक हो गया। और ये लोग जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला नहीं रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी में और जो है आर्मी में कोई समझौता हो नहीं रहा, अवाम उन्नास का दिल कहीं और धड़क रहा है, पब्लिक कहीं और जा रही है, IMF का डिमांड कुछ और है, ये सब जो है नवाज शरीफ और ये जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान और आर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। ये लोग अच्छा खासा जो है गवर्नमेंट चल रही थी उसको आकर डिस्टर्ब किया, मनमानी किए कि हम आएंगे सब ठीक कर देंगे, और आने के बाद सब गड़बड़ कर दिए। तो ये जो है अगर इसका ठीकरा किसी के सर पर फूटना है तो PDM और ये आर्मी पे, आर्मी जो है अपना काम छोड़ करके जब सियासत में मुदाखलत करेगी तो यही होगा। म्यांमार की भी हालत यही है और पाकिस्तान की भी यही है, एक टिकट से डबल इन्जॉय नहीं कर सकते आप, बल्कि यहाँ तो आप ये भी मीम बन रहा है कि मतलब एक ऐसा इदारा है कि जंग कभी जीता नहीं, इलेक्शन कभी हारा नहीं, तो ये आप समझिए कि किसके बारे में चल रहा। तो इस लिहाज से आप जो है क्रिटिकल जो है एनालिस हर पे क्या करें तो ही वो इदारा ठीक रहेगा, वरना नहीं, जिसका जो जॉब है वो जॉब सही से अंजाम दे तो मामला ठीक होगा, वरना नहीं होगा। अभी आप देख लीजिए सुबह सुबह खबर आ रही है कि PDM का मुतालबा यह आर्मी चीफ से कि हम इलेक्शन करा देंगे लेकिन पहले आप एक शर्त पूरी कर दीजिए, इमरान खान को माइनस कर दीजिए, फिर आप जो कहेंगे हम कानून बना देंगे। कानून क्या करेंगे, जिस चीज़ का प्राइस कहेंगे बढ़ा देंगे, उससे मीशत ठीक हो जाएगी, इससे कहीं मीशत की कुछ थोड़ी ठीक होती है। अब पाकिस्तान में अगर इमरान खान को माइनस कर दे तो पाकिस्तान में सियासत बचेगी कहाँ, फिर वो तो सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। तो ये जो है सियासत का कोई अदना बच्चा भी जानता होगा कि किसी किसी की पॉपुलरिटी बन जाती है। अभी देखिए इंडिया में कभी नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी थी, कभी केजरीवाल की थी, कभी अन्ना हजारे की थी, आज राहुल गांधी की बन रही है। तो आप कोई भी पॉपुलर लीडर पर हाथ डाल देगा फिर सोचेगा कि अमन शांति कर दें तो इतना आसान नहीं होता है, वो कभी कभार सक्सेस हो जाता है, आमतौर से बैकफायर कर जाता है। ईरान में जो है कल तीसरी बरसी थी वो कासिम सुलेमानी की, जो वहाँ का समझे कि बहुत पॉपुलर हीरो था, वो ईरान का जो है रिवॉल्यूशनरी गार्ड का, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में इराक में मरवा दिया था, तो उसके बरसी के मौके से फिर उन लोगों ने आज़मा इरादा का इजहार किया है कि हम तो इसका बदला लेकर रहेंगे और जैसे भी हो। तो ये खबर थी। और बकिया कल एक बड़ा डेवलपमेंट आया यूनाइटेड नेशन में, 31 दिसंबर तक यूनाइटेड नेशन के जन सिक्योरिटी काउंसिल में आप जानते हैं कि 15 कंट्रीज रहती हैं, जिसमें से तो 5 परमानेंट हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रशिया, चाइना, और 10 जो है वो रोटेशन बेस पे 2-2 साल के लिए बनते हैं। तो 2-2 साल का टर्म पूरा हो गया, तो आप समझिए कि 5 जो है वो 2 साल के लिए निकल गए 31 तारीख को, और कल जो है 5 कंट्री का झंडा वहाँ पर लगा दिया गया है। तो कौन कौन से कंट्री निकले हैं, तो इंडिया का टर्म पूरा हो गया है, आयरलैंड का टर्म पूरा हो गया है, केनिया का टर्म पूरा हो गया है, और फिर जो है मैक्सिको का टर्म पूरा हो गया है, और नॉर्वे का टर्म पूरा हो गया। तो इंडिया तो जानते हैं कहाँ पे है, ये तो ये है, और दूसरे नंबर पर नॉर्वे जो है आप यहाँ पे है, ये यूरोप का है, आयरलैंड ये यहाँ है बरतानिया के बगल में, मैक्सिको तो लैटिन अमरीका में है ये है, और फिर केनिया ये अफ्रीका का मुल्क है।
जिसकी राजधानी नैरोबी है। अब इसके जगह पे जो पांच आए हैं वो कौन से हैं, तो उसमें इक्वाडोर है एक, ये लैटिन अमेरिका कंट्री है, ये इक्वाडोर जिसकी राजधानी क्यूटो है। तो अब ये नई कंट्री आई है। फिर जापान आया है जिसकी राजधानी टोक्यो है। फिर माल्टा है, माल्टा जो है आप जानिए कि यहाँ पे है, जिसकी राजधानी वालेटा है। ये माल्टा बहुत तारीखी है क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मौलाना महमूदुल हसन को जो है यहीं पर कैद करके रखा गया था, इसीलिए उनको असीर माल्टा कहा जाता है। तो ये तीन कंट्रीज़ हो गए। फिर मोजम्बिक है, ये मोजम्बिक जो है ये है, और उसके बाद जो है स्विट्ज़रलैंड है। तो ये पांच कंट्री नई शामिल हुई है। इंडिया में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ गया, वही 1 जनवरी को, तो अभी तक उसमें ट्विस्ट आते ही चला जा रहा है, इसी लिहाज से मैं उसको कवर नहीं कर रहा था। तो सिर्फ मैं बता देता हूँ कि बहुत दर्दनाक हादसा पेश आया और सुन करके आपको अजीब महसूस होगा, लेकिन चूंकि उसमें ट्विस्ट बाकी है कि असल कल्प्रिट क्या है, असल मामला क्या हुआ था ये सामने नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा जा दिल्ली के समझे के बिल्कुल जुड़े हुए इलाके में एक जगह 31st नाइट को ये लड़के लड़कियाँ जो है खुशी क्या मनाते जाते हैं मनाने जाते हैं, ये होटल बुक करते हैं। फिर होटल में ही दो लड़कियों की सहेली थी या कौन थी दोस्त थी, उनके आपस में थोड़ी सी लड़ाई, उसकी तस्वीर वगैरह भी, फोटो वगैरह भी, जो वीडियो भी आई है, तो वो कहीं पर एक्सीडेंट कर गई किसी कार से, फोर व्हीलर से, और फोर व्हीलर में 5 लड़के थे और उसमें एक बीजेपी का भी आदमी था जिसके तस्वीर वगैरह भी, बैनर वगैरह भी लगे। अब वो लोग इतने जो है शराब में धुत थे कि उसकी गाड़ी के नीचे वो लड़की आ गई एक्सीडेंट के बाद। तो वो पता नहीं, उन लोगों को पता नहीं चला या क्या, कि एक लड़की जो थी वो तो दूर फेंका गई लेकिन उसको कम चोट आया, ये 3 बजे रात की बात है, और एक लड़की जो थी वो उसके गाड़ी के अंदर किसी चीज़ में फंस गई। अब वो लोग उतना सीरियस नहीं लिए, मार करके चले गए। तो वो पता चला लड़की को 10-12 किलोमीटर तक घसीटते चले गए, आधा घंटे तक, तो उसके तो पूरा कपड़ा ही उतर गया था और पूरा जो है जख्म, मतलब बदन जो छलनी छलनी हो गया था। ये हादसा, मतलब आप समझिए कि गाड़ी के नीचे किसी चीज़ में उसका पाँव फंसा हुआ है और गाड़ी चल रही है और वो शराबी चला रहा है और वो घसीटते हुए रोड पे जो है जा रही है, क्या हालत हो रही होगी। तो अब उसमें यह था शुरू में कि पता नहीं ये पाँचों लड़के जो है निर्भया केस की तरह मामला नहीं कर दिए या किया, लेकिन ऐसा लगता कि नहीं, वो लोग शराब के नशे में धुत होकर के ऐसा कर रहे होंगे। अब वो एक्सीडेंट से मरी या मारा गया ये सब ट्विस्ट बाकी है, तो जैसा भी खुलासा होगा हम बताएंगे। दूसरे नंबर पर मामला ये आया है कि हरदोई में, उत्तराखंड में है शायद, यहाँ पर 4,000 घरों को तोड़ने का जो है अल्टीमेटम दे दिया गया, 10 जनवरी को ये कार्रवाई होगी, और 4,000 में से 90% मुसलमानों का घर है। तो वो रेलवे की ज़मीन थी, उस पर लोगों ने जो है 70-80 साल से घर बना करके रह रहे थे, अब उसको जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि इसको खाली कराया जाए। तो 4,300 से ज़्यादा घर जो है बुलडोज़र चलेंगे। अब ये सारे लोग कहाँ जाएंगे, तो गवर्नमेंट का काम जो है उजाड़ना है, बसाना नहीं है, ये सब लोग जान गए हैं। बनना जो है इंडिया में तरक्की जो है अबानी अंडानी है, उसके फेवर के जो है कानून बनाए जाते हैं, और इंडिया में समझिए कि गरीबों के लिए तो बस कहाँ पर मौका मिले कि हम बुलडोज़र चलाएं, तो हर जगह बुलडोज़र बाबा जो है अब आ रहे हैं। तो ये देखिए, अब ये आखिरी उम्मीद उन लोगों की सुप्रीम कोर्ट से 5 तारीख को है कल, तो कल इस पर जो है तफसीली वीडियो बनाएंगे कि क्या मामला है, नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है।